ओलापैरिब कैंसर की एक ऐसी दवाई है जो सही पेशेंट में यूज करें तो पेशेंट का सर्वाइवल 3 से 4 गुना बढ़ा सकती है, सिर्फ एक सिंपल ओरल टैबलेट के बारे में। तो आज जानेंगे इस मेडिकल मार्वल के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS दिल्ली, और मैं दिल्ली और गुड़गांव में स्थित कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, आज की एरा को हम प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी एरा बोलते हैं, और कैंसर की फील्ड में हम ये कहते हैं कि सही कैंसर को, सही पेशेंट को सही ड्रग से ट्रीट करोगे तो अच्छे से अच्छा आउटकम अनलॉक होगा। और इसी फील्ड को हम प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि हर कैंसर को उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड थेरेपी से ही ट्रीट करना चाहिए। इसी के संदर्भ में बहुत सारी नई दवाइयां मार्केट में आई है, जिनका पर्पज यही है कि एक पर्टिकुलर जेनेटिक टाइप ऑफ कैंसर को एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रीट किया जाए। और उनमें एक नई बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, इसका नाम है ओलापैरिब। और लास्ट 3 to 4 ईयर्स में मैंने देखा है कि कैंसर आफ्टर कैंसर, चाहे वो ओवेरियन हो, प्रोस्टेट हो, बिलियरी कैंसर हो, उसमें इस दवाई का रोल ग्रेजुअली इमर्ज करता जा रहा है और कॉमनली अनेकों कैंसर में दवाई यूज की जा रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स को, उनकी फैमिलीज को पता हो इस बीमारी के, कैंसर के इस नए इलाज के बारे में और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस नए ड्रग ओलापैरिब के बारे में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये ड्रग क्या है और कैसे काम करता है, क्या ये ड्रग को हम हर कैंसर में यूज कर सकते हैं, कैसे पता चलता है कि ओलापैरिब किस कैंसर में काम करेगी और किस कैंसर में नहीं काम करेगी, क्या ओलापैरिब जैसे सिमिलर ड्रग्स भी मार्केट में अवेलेबल है, ओलापैरिब का कैंसर में कितना बेनिफिट होता है यानी कितना फायदा देखा जा सकता है, इस ड्रग के इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स क्या है और इस ड्रग का कॉस्ट क्या है। तो आइए एक एक करके इन सारे क्वेश्चन से हम डील करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ओलापैरिब दवाई क्या है। तो दोस्तों, ओलापैरिब एक तरह की टारगेटेड थेरेपी है और इस थेरेपी को पार्प इनहिबिटर भी बोला जाता है। तो टारगेटेड थेरेपी से हम शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि टारगेटेड थेरेपी क्या है। देखो दोस्तों, कोई भी कैंसर सेल अगर बॉडी में उत्पन्न हुआ है तो किसी नॉर्मल सेल में कोई जेनेटिक डैमेज हुआ है, इसलिए सेल उत्पन्न हुआ है, और ये कैंसर सेल अपने जेनेटिक डैमेज की वजह से अनकंट्रोलेबली डिवाइड करता है और अपनी हजारों करोड़ों कॉपियां बना के बॉडी में फैल जाता है, और इसी प्रोसेस को कैंसर बोलते हैं। तो रिसेंटली कुछ नई दवाइयां आई है जो स्पेसिफिकली उन जेनेटिक चेंजेस को टारगेट करती है जो एक नॉर्मल सेल को एबनॉर्मल में कन्वर्ट करती है। चूंकि ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी सिर्फ कैंसर सेल में होती है और नॉर्मल सेल में नहीं होती है, इसका रिजल्ट ये होता है कि टारगेटेड थेरेपी कैंसर को बहुत इफेक्टिवली किल और बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करती है, वाइल नॉर्मल सेल को ना इफेक्ट करने की वजह से उनके साइड इफेक्ट बहुत ही माइल्ड होते हैं। और लास्ट 15 to 20 ईयर्स में ग्रेजुअली हमने देखा है कि धीरे धीरे करके हर कैंसर के टाइप में विभिन्न टारगेटेड थेरेपीज आ रही है जो पेशेंट का सर्वाइवल और प्रोग्नोसिस ड्रामेटिकली चेंज कर रही है। तो टारगेटेड थेरेपी के अंदर एक सब ग्रुप होता है जिसको हम पार्प इनहिबिटर बोलते हैं, यानी PARP इनहिबिटर, और ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स की कैटेगरी है जो DNA रिपेयर प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो ओलापैरिब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्प इनहिबिटर है, और ओलापैरिब क्या मेनली क्या करता है कि जिन कैंसर सेल में DNA रिपेयर का डिफेक्ट होता है उन कैंसर सेल को सेलेक्टिवली टारगेट करके ओलापैरिब का ड्रग किल करता है। तो दोस्तों, नॉर्मली बॉडी का हर सेल का DNA डे टू डे लाइफ में डैमेज होता रहता है और सेल अपने DNA को अपने आप रिपेयर करने की एबिलिटी रहता है, पर कुछ कैंसर सेल में DNA रिपेयर एबिलिटी ब्रोकन होती है और वो खुद का DNA रिपेयर नहीं कर पाते। ओलापैरिब का असर सिर्फ इन्हीं सेल्स पे होता है और ये उनकी एडिशनल DNA रिपेयर कैपेसिटी को स्टॉप करके ये सिचुएशन बनाते हैं कि सेल अपना DNA बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता और सेल की डेथ हो जाती है। चूंकि DNA रिपेयर डिफेक्ट्स मेनली कैंसर सेल में होता है, इसलिए ओलापैरिब इस रीजन से कैंसर सेल को बहुत इफेक्टिवली और टारगेटेड तरीके से किल करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये दवाई या टैबलेट हर कैंसर पेशेंट में यूज कर सकते हैं, उसका आंसर है नो एक्चुअली, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये एक टारगेटेड थेरेपी है और हर कैंसर सेल में DNA रिपेयर का डिफेक्ट नहीं होता, इसलिए हर कैंसर में काम नहीं करता। तो जब भी हम डिसाइड करते हैं कि ओलापैरिब किसी पेशेंट को देना है या नहीं देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस पेशेंट में DNA रिपेयर का डिफेक्ट हो, और मेनली इन्हीं पेशेंट्स में इस दवाई को यूज किया जाता है। तो इसमें कुछ स्पेशल तरह के टेस्ट होते हैं जिनको बोलते हैं BRCA, HRR यानी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर जीन का डिफेक्ट, और HRD जिसको बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन डिफिशिएंसी। तो जनरली इन तीनों डिफेक्ट में से एक यदि किसी पेशेंट में होता है तो उनमें ये ड्रग अच्छा काम करता है, और इन डिफेक्ट के लिए या तो ट्यूमर के टुकड़े की जांच कर सकते हैं, पेशेंट के ब्लड की जांच कर सकते हैं, और पेशेंट को यदि ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये ड्रग हम ऑफर कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि भाई ओलापैरिब किस स्पेसिफिक कैंसर में आज के दिन यूज करते हैं। तो हालांकि ओलापैरिब का रोल डे बाई डे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम नए कैंसर में डिस्कवर करते हैं कि इस तरह का डिफेक्ट है, वैसे वैसे इन ड्रग्स को उन कैंसर टाइप में भी अप्लाई कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर जिनमें ओलापैरिब यूज होता है वो होता है ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और पैंक्रियाटिक कैंसर। तो आज के दिन इन चार मेन कैंसर्स में ड्रग को यूज किया जाता है, परंतु बहुत सारे अन्य कैंसर में भी इस ड्रग का रोल ग्रेजुअली इवॉल्व कर रहा है। तो एक क्वेश्चन जो पूछते हैं कोई पेशेंट हमारे पास आके, वो नेट पे पढ़ते हैं कि कुछ अन्य ड्रग है जिनका नाम ओलापैरिब जैसा है, जैसे रुकापैरिब, नीरापैरिब, डेलाज़ोपैरिब, तो वो पूछते हैं कि इन ड्रग में और ओलापैरिब में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ड्रग्स भी ओलापैरिब की तरह ही काम करते हैं, बस इनका केमिकल स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफरेंट है। तो कई डॉक्टर्स ओलापैरिब की जगह दूसरा ड्रग भी यूज करते हैं, परंतु हर ड्रग हर कैंसर टाइप में यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं कि इन ड्रग में से कौन सा ड्रग आपके पर्टिकुलर कैंसर टाइप के लिए सूटेबल है, परंतु ग्रॉसली एक फैमिली ऑफ ड्रग है जिनको पार्प इनहिबिटर बोलते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट ओलापैरिब है, पर अन्य ड्रग जैसे रुकापैरिब, नीरापैरिब, डेलाज़ोपैरिब भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आज के दिन यानी दिसंबर 2022 में इंडिया में सिर्फ ओलापैरिब और रुकापैरिब अवेलेबल है, पर बाकी ड्रग भी इंडिया में आने की प्रोसेस में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओलापैरिब का बेनिफिट कितना होता है, यानी यदि किसी ट्यूमर में ये जेनेटिक डिफेक्ट है तो कितना बेनिफिट ओलापैरिब का देखा जा सकता है। तो मैं बता दूं कि ओलापैरिब का बेनिफिट कैंसर टू कैंसर वेरी करता है। कुछ कैंसर में इसका बहुत ही लार्ज और ड्रामेटिक बेनिफिट है और कुछ कैंसर में इसका मॉडेस्ट या थोड़ा बहुत बेनिफिट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर जिसमें ओलापैरिब यूज करते हैं वो ओवेरियन कैंसर यानी फीमेल के अंडाशय का कैंसर है, और जिन पेशेंट में ये स्पेशल जेनेटिक डिफेक्ट है ओलापैरिब का बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट देखा गया है। इनफैक्ट ओलापैरिब की जो स्टडीज हुई है उनमें देखा गया है कि जिन यदि एडवांस स्टेज यानी स्टेज 3, स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर के पेशेंट को ये ड्रग दिया जाए तो उनका सर्वाइवल जो है वो भी कई गुना बढ़ता है और डिजीज कंट्रोल भी ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो राइट पेशेंट में ड्रग के राइट इस्तेमाल से सर्वाइवल बहुत ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकता है। इनफैक्ट इतना इंप्रूव हो सकता है जो शायद सर्जरी या कीमोथेरेपी से भी पॉसिबल ना हो। तो इंपॉर्टेंट है कि सही पेशेंट्स को ये ड्रग का एक्सेस जरूर दिया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ओलापैरिब के साइड इफेक्ट्स का। तो ओलापैरिब एक सिंपल ओरल टैबलेट के रूप में पेशेंट को दिया जाता है। जनरली 150 mg की टैबलेट होती है और दिन में 4 गोलियों का स्टार्टिंग डोज है, परंतु पेशेंट टू पेशेंट डोज को मॉडिफाई किया जा सकता है। और ओलापैरिब का सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है खून की कमी होना यानी एनीमिया। तो क्या देखते हैं हम जब पेशेंट्स को ओलापैरिब से ट्रीट करते हैं, तो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स को ओवर टाइम हेमोग्लोबिन ग्रेजुअली फॉल करता है, और इसके लिए हम कुछ दवाइयां दे सकते हैं ताकि हेमोग्लोबिन बूस्ट हो, और बहुत ज्यादा फॉल हो तो हेमोग्लोबिन का ब्लड का ट्रांसफ्यूजन दिया जा सकता है या विभिन्न तरह के अदर सपोर्टिव मेडिकेशन दी जा सकती है। इसके अलावा ओलापैरिब के कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है थकान, पेट खराब होना, अन्य सेल जैसे व्हाइट सेल या प्लेटलेट का कम होना, और जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफरेंसेस। पर मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में ये बहुत ही वेल टॉलरेटेड ड्रग होता है, और इन जनरल जो मेरा एक्सपीरियंस है इस ड्रग में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता। बड़ी ट्रायल्स में देखा गया है कि टिपिकली यदि हम 100 पेशेंट्स को दवाई देते हैं तो करीबन 15 से 20% पेशेंट को साइड इफेक्ट की वजह से दवाई बंद करनी पड़ती है, पर बाकी मेजोरिटी पेशेंट इस दवाई को अच्छा लंबे समय तक खा पाते हैं। लास्टली हम बात करते हैं कि ड्रग का कॉस्ट क्या है। तो दोस्तों एज ऑफ टुडे ओलापैरिब एक पेटेंटेड ड्रग है और इसका करंट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 70,000 to 1 लाख रुपीज पर मंथ है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप समझे कि ये सेम कॉस्ट हर पेशेंट के लिए नहीं है। कुछ पेशेंट्स को कंपनी पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम देती है जिसमें पेशेंट कुछ ड्रग परचेज करते हैं तो कुछ ड्रग उनको फ्री मिलता है, जिससे ओलापैरिब का कॉस्ट कम हो सकता है। कुछ पेशेंट में हम ओलापैरिब की जगह दूसरे पार्प इनहिबिटर दे सकते हैं जो ओलापैरिब से सस्ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पार्प इनहिबिटर्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल है जिनका कॉस्ट सिर्फ 20 से 25,000 रुपये महीना है या उससे भी कम है। फाइनली कुछ स्पेशल स्कीम्स या प्रोग्राम्स है या क्लिनिकल ट्रायल्स है जिनके जरिए कुछ केसेज में पेशेंट को ड्रग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, बट अगेन वो डिपेंड करता है कि पेशेंट में कौन सी एग्जैक्ट बीमारी है और किस तरह के एग्जैक्ट जेनेटिक्स पेशेंट के इन्वॉल्व है। ओलापैरिब का डोज मॉडिफाई करने से भी उसका कॉस्ट और अफोर्डेबल रेंज में लाया जा सकता है, ताकि अल्टीमेटली हर पेशेंट जिसको इस ड्रग से फायदा है किसी तरह ड्रग को एक्सेस कर सके। तो इम्पोर्टेंट ये है कि यदि आपको ओलापैरिब ड्रग की जरूरत है और आपको कॉस्ट इशू फेस हो रहा है तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बैठ के एक डिटेल डिस्कशन करें कैसे ये ड्रग एक एक्सेसिबल प्राइस पर आपको मिल सके जो आपको लंबे समय तक हेल्प कर सके। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट 1-2 सालों में ये ड्रग पेटेंट से हट जाएगा और इंडियन जेनेरिक वर्जन इस ड्रग की मार्केट में आ जाएगी, और तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस ड्रग का कॉस्ट 80 to 90% कम हो जाएगा और हर पेशेंट इस ड्रग को एक्सेस कर पाएगा। बट इवन टुडे कई तरीकों से इस ड्रग को लो या फ्री कॉस्ट में भी एक्सेस करना पॉसिबल है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से यूजफुल जानकारी मिली हो। ओलापरिब टारगेटेड थेरेपी की एक बड़ी रेंज में से बस एक स्पेशल सिंगल ड्रग है। इंपॉर्टेंट है कि एज ऑफ टुडे मोर देन 100 टारगेटेड थेरेपीज आर अवेलेबल और अलग अलग जीन में अलग अलग तरह की टारगेटेड थेरेपी इस्तेमाल होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ड्रग यूटिलाइज करने से पहले अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से केयरफुल डिटेल डिस्कशन की जाए कि ये ड्रग मेरे लिए सही है या नहीं है। दोस्तों हमारे चैनल का मेन पर्पज ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट और लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारे कंट्री के कैंसर पेशेंट को उनकी लैंग्वेज में मिले। तो इस जर्नी में हमारे साथ चलने के लिए हमारे चैनल से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगले वीडियो के लिए मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।